नमस्कार दोस्तों, मैं आई मंथा हॉस्पिटल से डॉक्टर श्वेता जैन। क्या आपको आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को भेंगापन है जिसके लिए उन्हें स्क्रीन सर्जरी की सलाह दी गई है और सर्जरी के लेकर उनके मन में कोई सवाल है? अगर हाँ तो आज इस वीडियो में मैं स्क्रीन सर्जरी से जुड़े हुए आपके कुछ सवालों और गलतफहमियों का जवाब दूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि क्या बिना सर्जरी के भेंगेपन को ठीक किया जा सकता है? कुछ मामलों में हम इसे बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में इसके लिए सर्जरी ज़रूरी होती है। देखिए, अगर भेंगापन कम है, ये नेचर में इंटरमिटेंट है, यानी कभी कभी दिखता है जब मरीज थका हुआ होता है या बीमार होता है, तो हम आँखों की एक्सरसाइज, प्रिज्म चश्मे या विजन थेरेपी जैसे कंजर्वेटिव मेथड से भेंगेपन को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर भेंगापन कॉन्स्टेंट है या पूरे दिन रहता है और ज़्यादा है, तो इसे सिर्फ सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। दूसरा सवाल है कि क्या भेंगापन सर्जरी सेफ है? इसका जवाब है हाँ। देखिए, हमारी आंख की छोटी छोटी मांसपेशियां यानी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल आई बॉल को सभी डायरेक्शन में घुमाती है। ऐसे में अगर कुछ मांसपेशियां कम या ज़्यादा काम करती है तो ऐसे में भेंगापन होता है। इसलिए भेंगापन सर्जरी में हम टाइट मसल को ढीला या ढीली मसल को टाइट करते हैं। इस सर्जरी में हम आँख के अंदर नहीं जाते, ना ही आपकी काली पुतली या किसी भी ऐसे हिस्से को छेड़ते हैं जो आपकी नज़र बनाने में मदद करता है। इसलिए स्क्रीन सर्जरी पूरी तरह से सेफ है और इसमें नज़र पे कोई असर नहीं पड़ता। तीसरा सवाल है कि क्या सर्जरी भेंगेपन को 100% सही कर सकती है? देखिए, ज़्यादातर मामलों में हम इसे 95-100% सही कर सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में जहाँ स्क्विंट बहुत ज़्यादा होता है या स्क्विंट के अलावा आँख में कोई और परेशानी भी हो, वहाँ हल्का फुल्का स्क्विंट रह सकता है। ऐसे में सर्जरी के बाद भी हम आपको आँखों की कुछ एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। अब हम बात करेंगे कि क्या यह दोबारा हो सकता है। देखिए, अगर किसी पेशेंट का विजन अच्छा है तो दोनों आँखों में स्क्विंट दोबारा नहीं आता, पर अगर पेशेंट की एक आई लेजी है या आँख में किसी और दिक्कत के कारण उनकी एक आई की विजन पूरी नहीं है, तो ऐसे में स्क्विंट दोबारा आ सकता है, क्योंकि कमज़ोर आँख सर्जरी के बाद भी कम विजन की वजह से फोकस नहीं कर पाएगी और फोकस ना करने की वजह से उनका स्क्विंट फिर लौट सकता है। ऐसे में हम पेशेंट को एक्सरसाइज एंड विजन थेरेपी सजेस्ट ज़रूर करते हैं, जिससे ऐसे होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। अगला सवाल है कि क्या भेंगापन सर्जरी पेनफुल है? देखिए, सर्जरी के दौरान आपको बिल्कुल दर्द नहीं होता, क्योंकि सर्जरी के दौरान बच्चे या बड़े की आँख को सुन किया जाता है। अगर बच्चा छोटा है तो उनकी सर्जरी बच्चे को जनरल एनेस्थीजिया यानी बेहोश करके करी जाती है। इस सर्जरी में लगभग 1-1.5 घंटे के आसपास लगता है और हाथ के हाथ आपको छुट्टी मिल जाती है। अगर बड़ा सर्जरी करवाता है तो उनको लोकल एनेस्थीजिया दे के आँख को सुन करके सर्जरी की जाती है, तो ऐसे में दर्द होने के चांसेस नहीं होते। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आपको भेंगापन सर्जरी से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेटिव डिटेल मिल गई होगी। अगर आपके पास इस टॉपिक या आंखों की किसी भी दूसरी समस्या से रिलेटेड कोई भी सवाल है या आप अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9711116605 पर कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। आँखों पर इस तरह के और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आँखों से रिलेटेड दूसरी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।